वो शय मुर्शद ही नहीं हो सकती जिसको खुद जवाल हो, वो शय उस्ताद कैसे ठहरे। मतलब कि ये एम फिल और पी एच डी की 8-8 किताबें पढ़ने से उस्तादी क्लेम कर लेनी। अहमद जावेद साहब कहते हैं कि आजकल वो लोग भी उस्ताद हैं जो उस लफ्ज की गूंज से ना वाकिफ हैं। जॉन भी यही कहते हैं कि वो लोग लिख रहे हैं जिन्हें अभी पढ़ना चाहिए था। जो कायनात की हिस्ट्री, फिलोसफीज, थियोलॉजीज, मेटाफिजिक्स, डिस्कोर्सेस से ना वाकिफ हैं और वो पढ़ा रहे हैं। तो हमें इल्म के साथ वो बच्चों के अंदर एक पैशन देना होता है, उनको कॉन्सेप्ट समझाने नहीं होते, उन्हें अगले कॉन्सेप्ट की राह भी दिखाने, इधर भी बढ़ो। दांते कहते हैं कि उस्ताद का काम दिलों पे दस्तक, पैशन, उनके पैशन को बढ़ाने का नाम उस्ताद ही है। वरना इल्म इंसानी जहन की मजबूरी है, इल्म तो उसने हासिल करना ही करना है। आप उस्ताद ना दें तो आप देखें बड़े से बड़ा आलिम आपको मिलता है। आप उस्ताद ना दें बट यूल फाइंड द हाइएस्ट ऑफ द टीचर्स, यूल फाइंड द हाइएस्ट ऑफ द स्कॉलर्स। लुक एट जॉन स्टुअर्ट मिल, लुक एट सोक्रेटिस, लुक एट मेनी अदर, यू पुट देम इनटू द डंजन। लुक एट इब्ने सीना, द थॉट एक्सपेरिमेंट, द फ्लाइंग मैन एक्सपेरिमेंट। तो ना भी दे, ही विल हैव द पैशन टू गो अहेड, क्योंकि अकल की मजबूरी है इल्म हासिल करना या किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्वायरी में लाना। मगर उस्ताद का काम है उस इंक्वायरी को तेज कर देना, उसको उसके उस सरगर्मी को मरकजी बना देना, उस सरगर्मी को कैटलिस्ट कर देना और तेजी से कर देना।